हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन फोकस हिस्ट्री। सो ये वीडियो EHI-01 जो कि हमारा आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया 1857 से 1964 तक के लिए है, ठीक है। तो इसमें मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए क्वेश्चन कवर कर रखे हैं और मोस्टली यही क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर्स में। कुछ क्वेश्चन इससे डिफर कर सकते हैं, डिफर मीन्स लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बाकी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का यही रहने वाला है। तो आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें, क्वेश्चन अलग आए ना आए, क्वेश्चन यही आने वाले हैं। बस इससे रिलेटेड और भी चीज़ें जो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आप कर लेना। जैसे पहला क्वेश्चन है भारत में उपनिवेश, पहला क्वेश्चन इंग्लिश में बता देता हूँ, आउटलाइन द वेरियस फेजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, ठीक है। जो जो उपनिवेशवाद के चरण थे भारत में उसका क्या करना है, रूपरेखा तैयार करना है, मतलब कौन कौन से स्टेज थे, कौन कौन से वो थे, वो बताना है आपको। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। जो उपनिवेशवाद था उसका भारत पे क्या क्या प्रभाव पड़ा। उपनिवेशवाद क्या होता है, जो मतलब किसी कोई दूसरा देश हमारे देश पर जब कब्जा कर लेता है तो उसे उपनिवेशवाद बोलते हैं। जैसे ब्रिटिश ने हमारे ऊपर किया था, ठीक है, जापान ने किया था कोरिया के ऊपर, तो ये क्या होता है, उपनिवेशवाद होता है। तो इससे क्या क्या इंडियन इंडस्ट्रीज से इफेक्ट पड़ा था वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड सेटलमेंट इन कॉलोनियल इंडिया, ठीक है। औपनिवेशिक भारत में कौन कौन सी भूमि बंदोबस्त की गई थी उस पर क्या करना है, हमें चर्चा करना है। औपनिवेशिक भारत में विभिन्न प्रकार की भूमि बंदोबस्त की चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट क्या क्या थे उसमें नोट लिखना है हमें, ठीक है। मूवमेंट वाले मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आते आते हैं तो आप सारे क्वेश्चन कर लें, लाइक स्वदेशी मूवमेंट और भी बहुत सारे मूवमेंट है वो सारे कर लेना आप, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हाट वाज इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। व्यू औद्योगिकरण क्या होता है और भारतीय अर्थव्यवस्था पे इस पर क्या क्या इफेक्ट पर हमें ये इसमें मेंशन करना है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ रखा है तो आप कर लेना। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द इंडियन स्टेट डू टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन आफ्टर 1947, मतलब हम जब इंडिपेंडेंट हुए तो उसके बाद इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन स्टेट या नेहरू जी जो भी बोल सकते हो आप, उन्होंने क्या क्या कदम उठाए वो हमें बताना है। हिंदी में देखो वही है, भारत राज्य ने 1947 के बाद औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया। सेवंथ क्वेश्चन हमारा है, व्हाट लेड द क्वाइट मोमेंट, व्हाट वाज इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या थे, इसका महत्व क्या था, ये बंद क्यों हुआ, क्या क्या इफेक्ट पड़े इस पर, इससे सारे क्वेश्चन आपको कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे। एट क्वेश्चन है, डिस्कस द राइज ऑफ नेशनल कॉन्सिक्वेंसेज इन 19th सेंचुरी इंडिया, 19वीं सदी के भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय की चर्चा करें। अच्छा क्वेश्चन है ये भी हमारा। नाइन्थ क्वेश्चन आता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न चरणों का वर्णन करें, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन देखो एकदम सडनली स्टार्ट नहीं हुआ था, ये अलग अलग स्टेट्स में हुआ था, फेजेस बोल सकते हैं फिर स्टेज बोल सकते हैं, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप दोनों तरह के कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट, अच्छा क्वेश्चन है, आता है कई बार आ रखा है तो आप करके जाना। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए, मैंने बताया था आंदोलन वाले जो है मूवमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। अगला क्वेश्चन है, उन कारणों की व्याख्या करें जिनके कारण भारत का विभाजन हुआ, एक्सप्लेन द फैक्टर दैट लीड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से पार्टीशन हुआ, लाइक मोहम्मद मुस्लिम लीग और जवाहरलाल नेहरू, इन सब के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उनकी जो डिमांड्स थी, मांग थी, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 पर प्रभाव और उनके कारण, देखो अलग अलग क्वेश्चन आते हैं बट मैंने मर्ज कर दिया ताकि ज़्यादा क्वेश्चन ना बने, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 के रीज़न पूछता, मोस्टली पूछता है वर्ल्ड वॉर 2 के रीज़न, उस पर इफेक्ट क्या पड़े इंडिया पे, ठीक है। तो ये दोनों करके चले जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन है, डिस्कस द अर्ली पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ महात्मा गांधी आफ्टर हिज अराइवल फ्रॉम साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के आने के बाद महात्मा गांधी के प्रारंभिक राजनीति गतिविधियों पर क्या करना है, हमें चर्चा करना है, कौन कौन सी उन्होंने गतिविधियाँ करी थी भारत में। 1857 के विद्रोह के कारण विवेचना कीजिए, यह असफल क्यों हुआ, इसका प्रभाव क्या था, ठीक है। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें बहुत सारे मेन जो चिंगारी का काम करता है यही काम करता है 1857 की क्रांति, जिसने भारतीय स्वतंत्रता को
चिंगारी दी थी, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये फेल क्यों हो गया, इसके क्या कारण थे? फेल देखो सिंपली अगर बोले तो फेल होने का कारण था यूनिटी। उस टाइम यूनिटी नहीं थी, मतलब एक गुट अलग प्रदेश से लड़ रहा है तो एक गुट अलग प्रदेश से लड़ रहा है, तो ये अलग अलग प्रदेशों से लड़ने का मतलब क्या, यूनिटी ना होना। ठीक है, जो ब्रिटिश थी वो इनकी यूनिटी थी, उनका पूरा ग्रुप साथ में वो कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए अगर आप मान लो कोई किसी चीज़ को धक्का लगाना है गाड़ी को, आप अकेले लगाओगे, तीन बंदे अकेले अलग अलग गाड़ी को लगाएंगे तो नहीं हो पाएगा, तीनों साथ में मिलके करें तो हो जाएगा। तो यही रीज़न था मेन की यूनिटी नहीं थी, रीज़न बहुत सारे हैं तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वराज पार्टी टू नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट जो थी हमारी राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें स्वराज पार्टी का क्या योगदान था, स्वराज पार्टी के ऊपर नोट लिखने को भी आता है तो ये आप करके चले जाना। 16 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद उनकी प्रारंभिक गतिविधियों का वर्णन करें, ये हमने कर लिया था ऊपर ही क्वेश्चन। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज वो मुस्लिम लीग द कांग्रेस एंड ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया। हमने ऊपर पार्टीशन ऑफ इंडिया को मतलब किस किन चीज़ों की वजह से हुआ, यहाँ पे लिखा है मुस्लिम लीग किन तरीकों से भारत के विभाजन के लिए कांग्रेस और अंग्रेज जिम्मेदार, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हो गया, मुस्लिम लीग कांग्रेस और अंग्रेज जो थे ये भारत के विभाजन के लिए किस प्रकार से जिम्मेदार थे। 18 क्वेश्चन, हाईलाइट द बेसिक प्रिंसिपल एट इंडियाज फॉरन पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, 19 क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज कम्युनलिज्म, डिस्कस प्रोसेस ऑफ कम्युनलिज्म एंड इट्स एमर्जेंस इन इंडियन सोसाइटी। 20 गलत से हो गए, 20 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पर 20 लिखा हुआ है। सांप्रदायिकता क्या है, भारत समाज में इसके उद्भव की प्रक्रिया की चर्चा करें। ठीक है, 20 क्वेश्चन पे आते हैं, राइट अ नोट ऑन फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस का फॉर्मेशन कैसे हुआ, फिर कांग्रेस का पार्टीशन कैसे हुआ, बीच में कांग्रेस एक तरह से बट गई थी तो कैसे हुआ, क्या रीज़न थे वो बताना है आपको। 21वें क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्कस द रिलेशन बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय पूंजीपति वर्ग के बीच संबंधों की चर्चा करें। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड कांग्रेस मिनिस्टर फेल इन वेरियस प्रोविजंस ड्यूरिंग 1937 से 1939। ठीक है, क्यों फेल हुए थे कांग्रेस के मिनिस्टर, ये मेंशन करना है। 23वां क्वेश्चन है, क्रिप्स के प्रस्ताव क्या थे, 12वीं सदी में उन्हें क्यों ठुकरा गया, व्हाट वाज क्रिप्स प्रपोजल, व्हाई डिड कांग्रेस रिजेक्टेड डैम। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अकाली दल पर टिप्पणी लिखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन अकाली मूवमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होते हैं, इतने क्वेश्चन इनफ है आपको पास होने के लिए अच्छे मार्क्स के साथ। अगर कम लगते हैं तो आप और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर को प्रीफर करिए, प्रीवियस ईयर बेटर होता है। ठीक है, अगर आपको इनका आंसर चाहिए तो मैं आंसर भी प्रोवाइड करवा दूंगा, मेरा एम रहेगा अगर 15 लाइक आ गए इस वीडियो पे तो मैं इसके आंसर्स भी जल्दी ले आऊँगा। ठीक है, होप्स आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।